हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रो वाइट। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने रेडमी फोन्स में फुल बैकअप कैसे ले सकते हैं। सॉरी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन को फ्लैश करना चाहते हैं, कोई नई रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर MIUI का कोई नया वर्जन जैसे आता है, डेवलपर वर्जन या बीटा वर्जन या कोई भी अपडेट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप डेटा लॉस कर सकते हैं इसमें, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं इसका बैकअप टूल। ये सबसे पावरफुल टूल है मेरे हिसाब से, जितने एंड्रॉयड फ़ोन है सबसे पावरफुल टूल है इसमें। MIUI का जो बैकअप टूल है वो सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में और सबसे पहले आपको इंश्योर करना होगा कि जो आपका बैकअप हो वो एक्सटर्नल स्टोरेज में जाए, यानी कि मेमोरी कार्ड में जाए, आपके इंटरनल स्टोरेज में ना जाए, क्योंकि वो अगर आप फ्लैश करेंगे या फॉर्मेट करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो सकता है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाके आपको जाना होगा स्टोरेज में। स्टोरेज में सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टोरेज सेटिंग का ऑप्शन होगा, स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद सबसे ऊपर बैकअप का ऑप्शन है। बैकअप अगर इन केस इंटरनल स्टोरेज सेट है आपका तो आपको उसे एक्सटर्नल स्टोरेज सेट करना पड़ेगा। उसके बाद बाहर आ जाइए, अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। फिर से सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग में चले गए आप। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट का बटन मिलेगा। इस बटन में सबसे ऊपर आप देखेंगे कि लोकल बैकअप का ऑप्शन। लोकल बैकअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो बैकअप ऑलरेडी ले रखे हैं, एक 14 जुलाई को एक 3 जुलाई को। और ये अगर आप बैकअप मैं अगर बैकअप पे अभी क्लिक कर दूंगा तो मेरा तीसरा बैकअप अभी लेना स्टार्ट कर देगा। और बैकअप में आप ये चीज़ें भी डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको बैकअप लेनी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फॉर्मेट कर रहे हैं फ़ोन को तो आप होल बैकअप लीजिए, उसमें जो जो सिस्टम ऐप्स ऐप्स एंड ऐप डेटा जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप का बैकअप लीजिए आप सब। जब बैकअप कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 20 to 30 मिनट्स लग जाएंगे बैकअप कंप्लीट होने में। बैकअप कंप्लीट होने के बाद आप फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, कोई भी रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपको अगर वही बैकअप आपको चलाना है, आपको लगता है कि मेरा नहीं मुझे मेरा सारी चीज़ें मुझे वही चाहिए, डेटा भी वही चाहिए, तो सबसे बेस्ट है आप फिर से सेटिंग्स में जाइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, बैकअप एंड रीसेट में जाइए, लोकल बैकअप्स में क्लिक करिए और जिस डेट का आपने बैकअप लिया हुआ है वो डेट देख लीजिए। जैसे 14 जुलाई 9:24 PM और एक मैंने 3 जुलाई को बैकअप लिया था, तो मेरा लेटेस्ट होगा 14 जुलाई, तो मैं 14 जुलाई वाले पर क्लिक करूँगा। और उसके अंदर जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है ऊपर चेक कि क्या क्या बैकअप में इंक्लूडेड है। सिस्टम की सेटिंग्स सारी हो जाएंगी इसके अंदर और ऐप्स एंड ऐप डेटा ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। अब मैं जैसे ही रिस्टोर पे क्लिक करूँगा ये रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे ऐप्स वापस आ जाएंगे, अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे और उनमें जो डेटा है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़ोन को बैकअप लेने के बाद कितनी बार भी फॉर्मेट करिए, कोई भी रोम फ्लैश करिए, ईजिली आप सारा बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। आपका यूज़र डेटा, एक पैसे का कोई भी यूज़र डेटा इससे लॉस नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।